नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। और आज की साथ शाम हमारे साथ हैं एक जाने माने तबला वादक, मशहूर तबला वादक प्रांशु चतुर लाल। उम्र बहुत कम है, लेकिन कम उम्र में ही इन्होंने बहुत ख्याति पाई है। ना सिर्फ तबले की बारीकियों को बखूबी समझते हैं, बल्कि प्रांशु कई तरह के और ड्रम्स जैसे काहून, दरबुका और वेस्टर्न ड्रम्स प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इनका एक अलग स्टाइल है। कई तरह के ड्रम्स को तबला के साथ जब ये कंबाइन करके प्ले करते हैं, एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। तो प्रांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको पूरे साज सामान के साथ यहाँ देखकर। थैंक यू सो मच। खूबसूरत शाम है, दर्शक इंतजार करते हैं 6 बजे और नेशनल खबर पे बेशक आनंद ले सके, नए नए कलाकारों से मिल सके। तो आपके संगीत से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप प्रांशु से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ खास चीज सुनना चाहते हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, कुछ सलाह है, कोई मशवरा है, आप हमें लिखिए, हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो प्रांशु, शुरुआत तो हम संगीत से करेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी मैं आपको सुनती हूँ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। Definitely. So I'll play a small piece in 4x4, which I'll start from my cajon. बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच प्रांशु। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं कि काहून है, ये पेरू का ड्रम है, एक अलग किस्म का ये ड्रम है, बॉक्स के शेप। जी, बॉक्स की शेप का ड्रम है, एब्सोल्युटली। और काहून के बारे में कुछ और बताइए आप दर्शकों को। जी, ये बेसिकली स्पेनिश म्यूजिक के अंदर इस्तेमाल होता है जी। और मतलब जैसे फ्लेमिंगो डांस है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और स्पेनिश इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग में तबला ढोलक है, तो वैसे ही स्पेनिश म्यूजिक के लिए लोग काहून यूज करते हैं। और साथ में आपने वेस्टर्न ड्रम्स प्ले किया। जी, तो इसमें वेस्टर्न ड्रम्स में आई हैव अ हैंड किक, जो कि जो हमारा बेसिकली ड्रम सेट के अंदर जो चीज हम पांव से प्ले करते हैं, पेडल से किक ड्रम, तो वो मैंने एक हैंड के लिए बनाया है, बिकॉज आई एम तबला प्लेयर, सो आई नीड इट हियर। और ये एक स्नेयर है मेरे पास, और हाल ही में फ्रेम टॉम मैंने खरीदे हैं। I'll just turn the camera a little bit so that you can, yeah, now you can see it, fairly see it. Yeah, तो ये है और दो सिंबल्स हैं मेरे पास। So that's so beautiful. लेकिन आइडिया आपको आया कैसे कि हम सब अलग अलग किस्म के ड्रम्स को कंबाइन करें एंड गिव अ मेक अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर्स? बेसिकली इसका जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जो मेरे ग्रैंडफादर पंडित चतुरलाल जी का, जब मैंने एक फ्यूजन देखा था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट फ्यूजन था 1956 में, जो कि हुआ है दिसंबर में, तो उनको जब मैंने देखा पापा जो उसके साथ जुगलबंदी करते हुए, तो मैंने देखा कि कितनी सारी सिमिलैरिटीज और कितनी डिफरेंसेज है जिन पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड देन आई थॉट कि एक दिन मैंने सोचा कि कुछ साथ में इसको साथ में रखना चाहिए, तो लोग गुटू जी का मैंने देखा, and then I got inspired, then I thought कि एक मेरा भी percussion setup होना चाहिए, and then I came up with this idea. You have a huge setup of various. Yeah, I'm still trying to expand some more. अच्छा, with more instruments. How important it is for a musician कि वो कुछ नया प्रस्तुत करें, जैसे आपने बिल्कुल एक नया setup तैयार किया है, so how essential it is for a musician? Yes, it's very essential to create some new things. लेकिन मैं इसमें ये भी add करना चाहूंगा कि हमारे जो basic और जो traditional चीजें हैं
उनको आप कभी ना भूलें, वो हमारा बेस है, उसको जरूर बेस रखें और उसको बेस रख के कुछ नया अपनी सोच जरूर पेश करें, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत कोशिश किया है और ऐसा ही कर रहा हूँ। तो आपके एक शिष्य लिखते हैं, प्रसाद पाठक, प्रणाम गुरु जी। हाय, गॉड ब्लेस यू प्रसाद, सो नाइस टू सी यू हियर। जी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कई म्यूजिशियंस हमसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमसे सीधे बात करते हैं, हमारे गेस्ट से सीधे बात करते हैं। तो ये जो अब ये लॉकडाउन का सीजन 2 है, तो आज जी जी एब्सोल्युटली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये खत्म हो जाए, पहले सीजन के बाद खत्म हो जाए और फिर कुछ परफॉर्मेंसेस शुरू हो। वी आर होपिंग फॉर सम बेटर न्यूज़ फॉर श्योर, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ी घबराहट भी है और चाहते हैं कि जल्दी से सब ठीक हो जाए एंड एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल। कॉन्सर्ट्स की भी बहुत याद आती है, ट्रैवलिंग एंड ऑल, वी मिस इट अ लॉट, बट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू क्रिएट न्यू थिंग्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, सो वी आर डूइंग दैट। हाँ, तो अभी आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है, जस्ट पहली एनिवर्सरी निकली है शायद, इफ आई एम राइट। जी 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 एब्सोल्युटली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव टाइम टू योर बेटर हाफ। तो हाँ जी, हाँ जी, जी आप शर्मा क्यों रहे हैं प्रांशु? नहीं नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही है कि अभी तो खैर मैं यहाँ पे साउथ एक्स में हूँ, अपने पेरेंट्स के पास हूँ और हम चारों यहीं पर ही हैं और अभी तो चारों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अलग ही माहौल है घर पे। जी, आपके एक और कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, यंग पखावज प्लेयर ऋषि हमारे साथ हैं और वाह, और ऋषि लिखते हैं, हाय ऋषि भाई, यू आर ऑलवेज रॉकिंग प्रांशु, ऑलवेज प्लेजर and feeling very happy to hear you, mera jigar ka tukda, thank you so much bhai. So tukda to maine joda hai, unhone aapko kuch khoda hai. So Pranshu, what is the power? We all know that music has a lot of power. Ab jaise ki yeah, to heal, how often do you try to keep a positive environment in your house? You have your parents along. So music helps you in meditating, music helps you in keeping good. Absolutely it does. Absolutely it does. ऐसी बहुत बार होता है कि जब हम थोड़े परेशान होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा होता है, थोड़ा चिड़चिड़ाहट फील होती है, एट दैट टाइम आई ऑलवेज गो फॉर माई रियाज, और जो भी कभी कुछ एजिटेशन कह लो, अगर वो निकलना हो या जब आप कुछ क्रिएट करने में दिमाग भटकाना कहो, चाहे कुछ भी जरिए से, आप एक अलग रिफ्रेश हो जाते हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सर्ट से पहले बहुत थके हुए होते हैं, आफ्टर कॉन्सर्ट वी आर टोटली फाइन, हम लोग की थकावट चले जाती है। जी जी, तो म्यूजिक हैज दैट पावर टू हील। आपके घर में तो म्यूजिक भी है, डांस भी है, आपकी वाइफ जी कथक डांसर है, फेमस डांसर है। जी जी, तो जी जी, अक्सर स्टेज पे देखते हैं तबला बजाते हुए और उनका साथ देते हुए, तो जी दोनों मिलकर कितना रियाज कर रहे हैं? मिलकर रियाज से थोड़ा कम हो पा रहा है क्योंकि अभी जो मेरा परकशन सेटअप जो मैंने नया लिया है, हालांकि मुंबई से ये भी हाल ही में लिया है, तो उसपे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग मिलके भी कुछ कुछ चीजें कभी कभी बैठ के कर रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं। जी जी, आपके एक शिष्य और भी हैं, रुद्रांश लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी आपको, गॉड ब्लेस यू, ही इज वॉचिंग द शो एंड दैट्स लवली। किसी की ओर से एक रिक्वेस्ट है, लिखते हैं, एक टुकड़ा भी सुनवा दीजिए प्लीज। जरूर जरूर जरूर, तो इनके लिए मैं एक गत पेश कर देता हूँ, पहले पढ़ के। अच्छा, एक ऐसे कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा पढ़ के मैं ड्रम्स पे भी प्ले कर देता हूँ। Thank you.
How beautiful. अब इसमें मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि आपने डरबुका भी बजाया. Thank you so much. है ना, आपने डरबुका भी बजाया ना प्रांशु? प्रांशु अब तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, शायद सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं. होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं. तब तक मैं उनके मैसेजेस को शामिल करना चाहूंगी. हमारे साथ श्रुति चतुरलाल शर्मा है. हेलो श्वेता जी एंड प्रांशु भैया. श्रुति खुद एक कलाकार है, यूफोनिक योगा नाम से अपना ब्रांड चलाती हैं एंड बहुत क्रिएटिव वंडरफुल मैसेज शी स्प्रेडिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड हाउ टू हील द वर्ल्ड. सो प्रांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं. प्रांशु को मैं चाहूंगी कि वो श्रुति का मैसेज. प्रांशु आप सुन पा रहे हैं? Of course I can hear you. I'm so sorry for dropping it. Yeah. So I can read the message out to you. Shruti Chatur Lal Sharma likhti hai. Hello Shweta ji. Yeah. Hi ji. Hi. How are you? Yeah, so she hi. आप worried होते होंगे, वो नोएडा में रहती हैं तो आपको उनकी चिंता लगी रहती होगी. हाँ जी, हाँ जी. और हमारी हैली में काफी बातें भी होती रहती हैं, तो सब चलता ही रहता है. जी जी वंदना. नमस्कार वंदना जी. हेलो प्रांशु, आपको लिख रही हैं और आपको सुनकर उन्होंने वाह भी लिखा है. बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें आपको इस तरह से. थैंक यू. ट्राइंग टू हील द वर्ल्ड काइंड. और हमारे साथ हैं संदीप मेहरा, इनका भी जुड़ाव संगीत से है. आपके बहुत बड़े फैन हैं. जी जी. नमस्कार संदीप जी. He's a pianist, right? He's a pianist. Wow, sir, he was there on the last show. Yeah, yeah. I think you've met him. And then Shehzad Ahmed hai humare saath. You have met him too, a drummer. Pranshu ji, wow, maza a gaya sunkar aapko, zabardast. Hi, Shehzad bhai. Unko bahut acha lag raha hai. Main chahti hu main sabke messages aap tak pahuncha du. Bhagirath Vyavat, wow, ustad. He's from Udaipur. He's a sarangi player. तो आपको सुन रहे हैं वो. हमारे साथ है दिनेश चांद, वाह भैया. नमस्कार जी. तो ऐसे तमाम और मैसेजेस हम शामिल करते रहेंगे. श्रुति लिखती है, एक मेरी फरमाइश, मेरा फेवरेट कायदा. ओके. ये अब है वो हम भी सुन लें. जी जी जी. ये बहुत ही खूबसूरत कायदा है दादाजी का, जिसमें टेटो और धेटो का मिक्सचर है. So I'll recite that and then start playing it. Dhati ta dhita dhati ta dhati dhage tinna ta dhita 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 dhati ta dhati dhage dhati dhage tinna ta dhita dhita dhati ta dhati dhage tinna ta dhita 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 dhati ta dhati dhage tinna ginna. Thank you so much. अच्छी बात जो होती है, जब भी मैं किसी तबला प्लेयर को देखती हूँ तो सबसे बढ़िया बात जो होती है उनके बाल. खुद से ऐसे कर्ली बाल बिल्कुल कैसे आते हैं आप लोगों के सबके? मेरे तो नेचुरली है. जी बहुत अच्छा लगा तबले की आप जो उंगलियां थिरकती हैं उसके साथ वो बाल भी थिरकते हैं. थैंक यू सो मच. हमारे साथ विजय भाटिया है. गुरु जी वाओ. Hi Yuvraj. All your students must be missing you, right? Yeah, but thanks to Zoom app, we are
meeting on in online classes and we are making music through that. वो मजा तो नहीं आता होगा जो मतलब लाइव स्टेज ऑडियंस. दैट्स ट्रू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी रुद्राक्ष तो है. गुरु जी रुद्राक्ष लिखते हैं प्रणाम गुरु जी. क्या बात है गुरु जी आप. थैंक यू सो मच स्वीटी. युवराज लिखते हैं गुरु जी कैन यू प्लीज प्ले द तितर कायदा यू टॉट मी ऑन संडे. ओह माय गॉड ओके फॉर श्योर. आपके लिए फरमाइश पे फरमाइश आ रही है जी. धाते ते धाते ते धाते ते धागे ते ना के धाते ते धागे ते ना के ना धेते 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 धाते ते धागे ते ना के धाते ते धागे ते ना के ना ताते ते ताते ते ताते ते धागे ते ना के ताते ते धागे ते ना के ना धेते 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 धाते ते धागे ते ना के धाते ते धागे ते ना. How brilliant. मुझे लगता है ये युवराज के लिए अच्छा सेशन भी था. उनका रिवाइज हो गया पूरा. एक्चुअली संडे को सिखाया है. एक और दर्शक है मधुरानी सिंह. वाह फैंटास्टिक प्रांशु जी आपके लिए लिख रही हैं. नमस्कार जी. प्रांशु मैं चाहती थी कि आप जब हमारा संपर्क टूटा उस समय मैं आपसे पूछ रही थी डरपोका के बारे में. हाँ जी. मैं चाहती हूँ आप is it easy for you to pick it and show it to the audience? Yeah, it is slightly. Let me just do it. Give me a second for that. There you go. So basically, that's the shape of the darbuka. So you can see. Yes, yes, it's clear. So ye. And then generally they keep it here while playing it. That's how they play generally, but I keep it here because it's easier for me to play it that way. जैसे एक टर्किश है, एक पेरू का है, अलग-अलग जगह के आप ड्रम इकट्ठा करके और कुछ नया क्रिएट करें. अब कहाँ से क्या ड्रम लाने का इरादा है? अभी तो हालांकि मैं थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ कि इंडियन फोक इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ एक ऐसा कुछ देखा जाए जो कि थोड़े विलुप्त होते जा रहे हैं, which I can add easily, जो कि ज़्यादा स्पेस टेकिंग भी ना हो और कुछ छोटा सा ही हो. But it's very unique. कुछ मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ. Soon I'll add it up. Certainly. हमारे साथ संदीप सैंडी हैं. लिखते हैं प्रणाम गुरुजी. God bless you. जी. तो इसी तरह. Of course I know this guy. हाँ तो आपको गुरुजी कह रहे हैं तो आपको जरूर या तो आप शिक्षा ले रहे होंगे या फिर एक लव्य की भांति दूर खड़े होके आपको सुनते और सीखते होंगे. दो ही चीजें आते ही. He comes to me sometimes. जी. तो क्या नया क्रिएट किया ड्यूरिंग कोरोना? What message do you want to spread through your music? Basically messages तो बहुत क्लियर है कि और इंस्ट्रक्शंस भी बहुत क्लियर है कोरोना के लिए कि हम लोग को घर पे रहना है और यही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जो सबसे मेनली बहुत जरूरी है. एंड म्यूजिक में मैंने बहुत कुछ ज्यादा नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. जो पुराना है जो कि मैंने बहुत टाइम से रियाज नहीं किया है उसको मैं ज्यादातर रियाज कर रहा हूँ आजकल. और नया भी मैंने कुछ कुछ बनाया है जैसे कि अभी मैंने कुछ सवा नौ मात्रा के लिए कुछ एक तिहाई मैं प्लान कर रहा था जो कि एक साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल दोनों को रिफ्लेक्ट करे. तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. एक बार मैं थोड़ा एक बार उसको मनन कर लूँ क्योंकि थोड़ा कुछ दिन से बजाया नहीं है. जी धिन तित किट धिन ना तित किट तिन ना कत्ता धा धागे ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच धिन तित कित धिन धिन ना तित कित तिन तिन ना कत्ता धा धागे ना धिन 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 ता.
So good. This one. नया लेकिन आपकी सिस्टर की एक फरमाइश आ रही है जिस पर मैं आना चाहती थी. वो मेरा भी एक सवाल था कि आपके दादाजी पंडित चतुरलाल जी तबला सम्राट माने जाते हैं, इंडियन परकशन को पहली बार बाहर ले जाने वाले वही शख्स थे. तो आपने उनसे बहुत कुछ सीखा. तो श्रुति लिखती है कुछ दादाजी की खास बात जो वो सुनना चाहते हैं. डेफिनेटली प्रांशु मैं एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ. आपके पीछे तस्वीर आपके दादाजी की है जो मैंने बहुत बार देखा है आपके घर में. आप रोज उनको पूछते हैं, नमन करते हैं. हाँ जी. किसी कारण से वो दर्शकों को नहीं दिख पा रहा. वो मैं चाहती थी दर्शक को तस्वीर देखें. जी तो उस क्लिक से मुझे थोड़ा एंड में लास्ट में आई विल कट द फ्रेम एंड शो इट टू देम. आई वांट यू टू शो द लेजेंडरी आर्टिस्ट जिन्होंने इतना कुछ दिया देश के लिए. मैं चाहती हूँ वो दर्शक लास्ट में आप तस्वीर उनकी दिखाएं. डेफिनेटली जी. तो श्रुति की फरमाइश पूरी करते हैं पहले. जी तो पेशकार की ही एक मेरे दादाजी की बहुत ही खास चीज है. सवाई के लिए उन्होंने पेशकार बहुत प्रसिद्ध किया था. तो वही मैं थोड़ा दो मिनट कोशिश करना चाहूंगा. धग तो नगर धा धिन धा ना धिन धिन धा ना तगत नात गधिन धिन ना धा धगे न धा धगे न धा धगे न धा कृदन दादाधी कृदन दादाधी कृदन दादाधी कृदन दादाधी कृदन दादाधी कृदन दादाधी कृदन दादा. थैंक यू सो मच. दर्शक आपको देख रहे हैं. प्रसाद पाठक लिखते हैं एक मेरी फरमाइश है वोकल परकशन. फॉर दैट आई नीड टू ड्रिंक वाटर फॉर अ सेकंड. विल टेक दैट. उससे पहले मैं बाकी के मैसेजेस भी आपसे पढ़ देती हूँ. दीपमाला चौधरी लिखती है वाह जी वाह बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. चौधरी है क्या बात है प्रांशु लिख रहे हैं. थैंक यू दादा. रवि शंकर उपाध्याय बहुत बड़े पखावत शेयर हैं. बहुत अच्छा आपको लिख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. मनीषा मिश्रा लिखती हैं भगवान शिव वंदना और तबला आल्सो प्लीज डियर प्रांशु जी. तो जी जी डेफिनेटली शिव वंदना की फरमाइश है, एक वोकल परकशन की फरमाइश है. दो फरमाइश तो है लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इतने सारे आपके चाहने वाले जुड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं और कई स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो अपने स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आपका ताल्लुक एक बहुत बड़े परिवार से, संगीतकार के परिवार से रहा, फिर भी रास्ते आसान हो. बिल्कुल. तो जी संगीत में एक मुकाम हासिल करना म्यूजिकली सो दैट पीपल एक्सेप्ट यू. एक बार आपको सुनने में आ सकता है, बार बार नहीं आएगा इफ यू आर नॉट गुड. हाँ सो व्हाट इज द मैसेज सीनियर म्यूजिशियंस टू ऑलवेज टेक लव फ्रॉम योर सीनियर्स एंड योर जूनियर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू डू दीज टू थिंग्स प्रॉपरली
then you will definitely make your own space in the market. Right, right. That's what I feel. Aur Sandeep Sandy likh rahe hain, awesome Guruji. Shruti, thank you, Sandeep. Shruti, Noida mein baith ke aap se farmaishe main wahi dekh raha hu. Param ke liye shri param keh rahe hain. And Namneel Chaudhary keh rahe hain, apna signature style suna do mere bhai. Ji ji. इतनी सारी फरमाइश है, आप सबसे पहले किसको चुनना चाहेंगे, पानी पीना चाहेंगे? I'll quickly have a sip of water. Certainly, certainly. And let's start with vocal percussion. Sorry, just give me a second. I'm so sorry. So, Pranshu Chatur Lal हमारे साथ हैं, मशहूर तबला वादक, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. तबले पर इनकी उंगलियां जैसे नाचती हैं, थिरकती हैं, और साथ ही इन्होंने एक अलग नाम हासिल किया, एक अलग पहचान बनाई है. कई तरह के ड्रम्स जैसे डरबुका, काहून और वेस्टर्न ड्रम्स, इन्होंने एक अलग बनाया है, प्रस्तुत किया है म्यूजिक लवर्स के लिए. तो प्रांशु, शुरू करते हैं वोकल प्रदर्शन से. यू हैव वाटर? या. Yes, I had water. How beautiful. Thank you. Okay. So vocal percussion is basically about some people play it on their cheeks also. Somebody do it like also do like that. So I am the one on that I play on cheeks. It's not all that difficult. It's pretty simple. But aapne itni sari khaasiyat, along with you being a khush mizaj kind of a person, matlab hamesha chehre pe ek smile, aur uske thank you so much. Sare talent to darshakon ka dil jeeta to aap bakhoobi bhi jante hain. Thank you, thank you. Ji, to Malati Upadhyay hai hamare saath hai. Namaste, auntie. आंटी लिखती है, कीप शाइनिंग बेटा, गॉड ब्लेस. आपको देख रही हैं, सुन रही हैं. और फिर अब अगली फरमाइश कौन सी लेना चाहेंगे आप? जी, मैं शिव परन जरूर पढ़ना चाहूंगा. तिन तिन नाद के धिन धिन नाधा के धिन नाना धिन धिन नाना आते के धिन अधा के धिन ना धिन धिन नाना आते के धिन नाद के धिन धिन नीलकंठ हर हर महादेव त्रिपुरारी बम बम महादेव विधा त्रिपुरारी बम बम महादेव विधा त्रिपुरारी बम बम महादेव विधा. बहुत ही सुंदर. तो घर बैठे, थैंक यू सो मच, घर बैठे आपको सुन पा रहे हैं लोग, अपनी फरमाइश रख पा रहे हैं. और आप सभी दर्शकों तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ ही हमारे कलाकारों को जो आप सम्मान दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. प्रसाद पाठक लिखते हैं, वाह गुरु जी, थैंक यू. और नवनीत चौधरी का इशारा किस ओर था? सिग्नेचर क्या है? जी जी, एक मेरा एक पीस है जो मैंने थोड़ा काफी जगह प्ले किया है, तो लोग उसको मेरा सिग्नेचर पीस मानते हैं. And even I like it when people say it. I say that it's my signature piece. I'll play it for you. Thank you.
So much. आप मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रांशु? आ रही है मेरी आवाज आपको? किसी कारणवश तकनीकी खराबी के कारण प्रांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो आप सुन रहे थे प्रांशु चतुर लाल को। आपने देखा कितनी खूबसूरती से उनका उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, कई तरह के ड्रम्स को मिलाकर उन्होंने एक अपना पूरा सेटअप तैयार किया है। प्रांशु हमसे फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द ही उनको आपके पास लेकर आएंगे, ताकि आप जिस तरह से हमसे जुड़े हुए हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, अपनी फरमाइश कर रहे हैं, आपकी फरमाइशों को हम पूरा कर सके। आप तक आवाज आ रही है प्रांशु? जी जी जी। तो बार बार तकनीकी खराबी के कारण संपर्क हमारा टूट जा रहा है। हाँ जी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे उनको मैं शुक्रिया अदा करूंगी, आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने बहुत वक्त निकाला। इसी तरह आप घर में बने रहे, अंकल आंटी केयर करें, डेफिनेटली केयर ऑफ योर हेल्थ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपने दादाजी की तस्वीर, पंडित चतुरलाल जी की तस्वीर दर्शकों को दिखाएं। नवनीत फैंटास्टिक, आपको सुना, थैंक यू सो मच। आई थॉट यू चले गया सिग्नल, सो इट केम नाइसली। हां हां, दैट वाज फाइन, अच्छे से दिखाई दे रहा था। ग्रेट। No. All right. Huh. Great. So I'll just move off the frame and then show you the picture. Yes, yes, certainly, please. All right. Sure. तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महान तबला वादक पंडित चतुरलाल की तस्वीर है। ये बहुत बड़े संगीतकार, तबला को पहली बार इन्होंने इंडियन इंस्ट्रूमेंट को ये इंडिया के बाहर लेके गए, कई बड़े संगीतकारों के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दी और तबला को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। तो प्रांशु आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रांशु। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर। थैंक यू। तो दर्शकों से कहूंगी कि आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह हमसे जुड़े रहें, अपना प्यार भेजते रहें, अपने मैसेजेस भेजते रहें, हम उन्हें शामिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।